मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020 के खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। खेल संचालक पवन जैन ने टीटी नगर स्टेडियम में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एकलव्य पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत खेल, जिसमें ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल के लिए कुल 13 खिलाड़ियों को ज्यूरी ने सिलेक्ट किया है। इसके अलावा विक्रम पुरस्कार के लिए कुल 10 खिलाड़ियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें विश्वजीत सिंह, सुनिधि चौहान जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इसके साथ ही विश्वामित्र पुरस्कार के लिए 3 खिलाड़ियों को चुना गया है। ये सभी पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे। 2020 में हम लोगों ने कुल जो है 13 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार के लिए चयनित किया है। उसमें जो प्रमुख नाम है वो सुनील दावर हैं, राममिलन यादव हैं, प्रीति रजक हैं, साधना सेंगर हैं, धुरराज कुर्रे हैं। ये युवा खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार इस बार जो है वो 10 लोगों को दिया जा रहा है। जो व्यक्तिगत खेलों में प्रमुख नाम है उनमें सुनिधि चौहान हैं, विश्वजीत सिंह हैं, विवेक सागर हमारे एक प्रमुख सितारा खिलाड़ी हैं जिनको हम लोग विक्रम अवार्ड दे रहे हैं, और प्राची यादव हैं जो कि ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने कैनो पैरा एथलीट में जा रही हैं। विश्वमित्र पुरस्कार में माननीय वीरेन डवास जी हैं, रिचपाल सलारिया हैं, डॉक्टर हबीब हसन हैं, और वैष्णवी कहार को हम लोग प्रभास जोशी सम्मान दे रहे हैं, जो इस साल की प्रमुख हम मानते हैं, जो जिसको कहते हैं कि आप अपने जीवन के योगदान के लिए जो हर साल एक बड़ी हस्ती को हम देते हैं, जिसको हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कहते हैं, वो माननीय अवय छजलानी जी को हम लोग इस बार जूरी ने उनकी अनुशंसा की है, उनको देने जा रहे हैं। ये पुरस्कार उसके खेलों में उसका ओवरऑल योगदान, आप पत्रकारिता के रूप में, आप खेल प्रशासक के रूप में, आप खिलाड़ी के रूप में, आप संघ के, वो राष्ट्रीय लेवल पर कम से कम 20 साल तक राष्ट्रीय खेल संघों के पदाधिकारी रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे चाहे बास्केटबॉल हो चाहे टेबल टेनिस हो, उसमें एक बड़ा काम किया है। ये इंदौर के लोग ज़्यादा वाकिफ हैं। जूरी के पास सभी नाम होते हैं और इसमें पहली बार ये आपको विकल्प है कि आप किसी भी नाम पर विचार कर सकते हैं, आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिछली बार हमने इनाम उर रहमान साहब को दिया था, वो 68 में ओलंपिक खेले थे, लेकिन जूरी को लगा कि वो इसके लिए सबसे योग्य हैं। तो ये जूरी का निर्णय है और जूरी का निर्णय सर्वसम्मत निर्णय है, कोई उसमें ये नहीं होता, क्योंकि हमें एक व्यक्ति को देना है, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम 4 लोगों का नाम करें, हमें एक ही को पुरस्कार दें। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।